या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कह रहा है नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इसमें नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर पेमेंट जो फैक्टर पेमेंट की जा रही है टू हाउस होल्ड ठीक है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज जो वो प्रोड्यूसिंग फर्म्स को देते हैं ठीक है फैक्टर फैक्टर पेमेंट्स किसकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज रेंट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ठीक है टू दाउस होल्ड जो किसके लिए होती है लेबर के लिए होती है लैंड के लिए होती है एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर होता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए या फिर कैपिटल के लिए ये सब चीजें ठीक है थेके? तो क्या टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट जो सम फैक्टर इनकम का सम टोटल जो जनरेट हो रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री चाहे नेशनल रेजिडेंट ने किया हो या नॉन रेजिडेंट ने किया हो तो उसे क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड कर देंगे तो नेशनल इनकम ने आ जाती है सिंपल सी बात है हम बार बार रिपीट भी कर चुके हैं आगे चलते आपको बताता हूँ समझिएगा किस वजह से उसने कुछ फैक्टर सर्विस दी ठीक है क्या इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी फॉर लेबर रेंट फॉर लैंड इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल सी बात है यही अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं यार कह रहे इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अंड इनकम अनकम मतलब नहीं लिखी जाएगी यानी ट्रांसफर इनकम या फिर इनकम जिसे हम बोलते हैं वो हम नहीं लेंगे इट नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्ड और फॉर विच एग्जांपल दिया हुआ है उसके लिए कह रहे ओल्ड एज पेंशन रिसीव बाय द सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन ठीक है इज नॉट एन अर्ड इनकम सीनियर सिटीजन को जो गवर्नमेंट क्या दे रही है पेंशन दे रही है वो

ठीक है कह रहे आप इसको आप कैसे इंडिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आपको पता है आप कैसे करोगे तो कह रहे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एक्टर इनकम आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आता है वेजेस और सैलरीज इन कैश पेमेंट इन काइंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और हम बोलते हैं पेंशन और रिटायरमेंट ये चार चीजें आएंगी चार चीजें एक एक करके देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चार चीजें वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इट रेफर्स टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर एज रिवॉर्ड फॉर द वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आपने काम किया किसी एम्प्लॉयर के लिए उसके बेसिस पे आपको वेजेस मिले आपके अकाउंट में है वो क्या है वेजेस है सैलरीज इन इन कैश पेमेंट काइंड इट टू द बेनिफिट इन काइंड लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दे दिया जाता है बाय द कंपनी यानी बाय द एम्प्लॉयर

अभी हमने जो बात की थी पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज द डेफर्ड वेजेस टू बी स्पेसिफिक इट इट रेफर रेफर टू टू ओल्ड एज एज पेंशन पेंशन इन ओनली द द पेमेंट पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ठीक है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हम क्या बात कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले कंपनसेशन देख लिया अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनशिप प्रॉपर्टी या एंटरप्रीनियोरशिप से जो आती है जिसमें रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है पर प्रॉफिट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है किस में डिविडेंट में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में डिविडें द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शयर होल्डर्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसे हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करके चलते हो वो प्रॉफिट हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिटेन अर्निंग होती है जो रिटेन कर लिया कंपनी ने अपनी पार्ट ऑफ अर्निंग पे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसे हम क्या बोलते हैं से टेन करोड कमाया फाइव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फाइव रिटेन कर लिया टू फर्दर इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट वो क्या हो गया रिटेन अर्निंग अर्निंग हो गया उसे क्या बोलते हैं अन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट द पार्ट ऑफ प्रोफिट विच इज रिटेन बाय द फॉर्म फ्यूचर यूज पर्टिक्युलर टू मीट समजेंट एक्सपेंसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ठीक है

इंटरेस्ट प्रॉफिट दैट इज वाई इसको क्या बोला जाता है मिस्ड इनकम सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसलिए हम इसको मिस्ड में लेते हैं बिकॉज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर नहीं किया खुद लगाया परचेज फ्रॉम द मार्केट परचेज भी नहीं किया खुद लगाया आई बात समझ में नॉर्मल बात कोई दिक्कत चलो फिर आगे कह रहा है एज नोटेड अर्लियर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे हम बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर को उसमें हम क्या कर देते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर उसमें हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम मिल जाती है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है NNP, net, net तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है तो मेजरमेंट के लिए हमने तरीके दिए हुए प्लस ऑपरेटिंग

पेंशन वो इंक्लूड नहीं करना अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस स्कॉलरशिप पॉकेट बिकॉज इंक्लूडेडिंग टू ट्रांसफर पेमेंट नो वैल्यूडिशन इनकम फ्रॉम इनगल एक्टिविटीज भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे मनी ये सब इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इनका एस्टिमेशन भी अवेलेबल नहीं होता पहला बुढ़ापा वाला हमें इंक्लूड नहीं करना दूसरा और से जो पैसा कमाया वो इंक्लूड नहीं करना कमीशन कमीशन पेड हमने लास्ट में भी देखा था वैल्यू वैल्यू एडिड मेथड में भी क्या कमीशन आया था कमीशन पेड ऑन द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड भी इंक्लूडेडली फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो ये इंक्लूड हो गए चलेगा अच्छा सेकंड हैंड गुड्स पे है ब्रोकरेज भी इंक्लूड होगा ऑन सेल एंड एंडेज ऑफ क्योंकि ये भी एक सर्विस फैक्टर सर्विस कह रहे इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स यानी लॉटरी से हमने जो मिला शुड नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है विंडफॉल गेम से था यह भी इनक्लूड करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अब जब हमने प्रॉफिट इन्क्लूड कर लिया तो इसको अलग अलग क्यों थोड़ी ना लेके चले वस प्रोफिट इज इंक्लूडेड इन दस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम

ये भी नहीं लिया जाएगा जब हमने कंपनसेशन ले लिया है कंपनसेशन ले लिया है तो अलग अलग कैश काइंड और ये सब चीजें अलग अलग ऐड नहीं करेंगे एम वही बातें कुछ अलग नहीं है तो यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम ग्रोस डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मैं दिया क्या क्या हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेशन मिक्सड इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस दिस कंपनसेशन टू द एम्प्लॉज तो हमें सबसे पहले निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम तो उसमें क्या आएगा मिक्सड इनकम ठीक है income, उसके बाद ऑपरेटिंग सर प्लस उसके बाद कंपनसेशन तीनों ले लिया हमने वन टू थ्री वन टू तीनों का समोटल ट्वेंटी एट थर्टी एट और ट्वेंटी फोर सिक्सटी टू थाउजेंड करोड इज द नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब क्या आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब इसमें ग्रोथ करना है अब नेट से हमें ग्रो जाना तो एक ही चीज होती है जो ऐड तो तो उसके बाद नेट नेशनल इनकम एक ही चीज ऐड करनी है हमें नेट नेशनल इनकम नेट डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एड कर दो तो नेगेटिव है तो लेस हो जाएगी सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ जाएगा सिंपल अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसमें आपको क्या करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने होते हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमारे पास दोनों की बना इसे हम क्या बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया एग्जांपल टू लेते हैं

ठीक है अब आप देख रहे हो सर ये अलग अलग क्यों ले रहे हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सोशल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आप एक बात बताओ क्या हमने प्रॉफिट और सैलरीज अलग लिया हुआ है नहीं लिया हुआ ना अब ले लिया हमने इसलिए ऐड कर दिया डोमेस्टिक आ गया अब डोमेस्टिक में हमने क्या करना होता है सिर्फ नेट फैक्टर इनकम ऐड करनी होती है तो सिंपल सी बात कुछ अलग है ही नहीं इसमें ठीक है ये हमारा पूरा था इनकम मेथड ठीक है चलिए फिर कीजिए इसको